Hey guys, welcome to my channel. आज हम खेलने जा रहे हैं The Bully. और भाई गेम प्ले शुरू होने से पहले ही ना काफी ज्यादा भाई लोग ये कमेंट करने वाले हैं कि भाई आप टेक्नो गेमर की कॉपी क्यों कर रहे हो, खुद का ओरिजिनल क्यों नहीं लेके आते. तो भाई आप सभी लोग कॉपी ही समझ रहे हो, क्योंकि ठीक है मेरे को ये अच्छा लगा गेम, तो भाई मेरा मन कर रहा है इसको खेलने का, मैं क्या करूं अब. बाकी भाई एक भाई ने भी मेरे को काफी ज्यादा कमेंट किया, लगभग भाई 15-20 कमेंट कर दिए थे भाई ने एक ही वीडियो पे कि भाई आप बुली को खेलो. तो भाई मैंने सोचा क्यों ना उस भाई का दिल रखने के लिए हम एक बार इस गेम को ट्राई करके देख ही लें. अगर भाई बाकी के भाई लोगों को भी पसंद आएगा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, वरना भाई हम डिसकंटिन्यू कर देंगे. क्योंकि भाई अगर आप काफी ज्यादा टाइम से अगर मेरी वीडियोस देख रहे होगे तो आप ना एक चीज समझ चुके होगे कि भाई मैं जो भी करता हूँ आप सभी के रेस्पॉन्स के ऊपर करता हूँ. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है उस सीरीज की तो भाई मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, वरना भाई मैं उसकी तरफ मुड़के भी नहीं देखता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखाना चाहता हूँ आपको जो आप देखना चाहते हो. बाकी भाई बातें बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं फटाफट से इस गेम को स्टार्ट कर देता हूँ. और साथ ही मैं इस गेम का आपको बेसिक इंट्रो भी दे देता हूँ कि ये गेम ना भाई रॉकस्टार कंपनी का है, जिसने भाई GTA 5, RDR और मैक्स पेन जैसे ऑसम गेम्स बनाए. तो आप सोच सकते हो भाई रॉकस्टार का अगर ये गेम है तो कितना ज्यादा बढ़िया होने वाला है. बाकी कहानी भाई हम इस गेम के अंदर ही जानने वाले हैं, तो जल्दी से मैं स्टार्ट कर देता हूँ. तो लट गई, जो गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठा है ना भाई, उसका नाम है जिमी. और भाई इसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, मतलब इसका स्टेप फादर थोड़ा सा खड़ूस है. और आई थिंक भाई इसके माँ बाप ने इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उसकी वजह से भाई इसको ना हॉस्टल लाइफ में छोड़ने जा रहे हैं. वेलकम टू बुलवर्थ. अच्छा, इस हॉस्टल या फिर जगह का नाम है भाई बुलवर्थ, यानी कि भाई बुलवर्थ में हमें बुली किया जाएगा या फिर हम लोगों को बुली करेंगे, वो तो चलो देखने वाली बात है. फिलहाल भाई मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के जा चुके हैं मेरे हॉस्टल के बाहर, और भाई मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ सड़क पे. और हमारी मैडम भी आ चुकी है भाई, हमारा वेलकम कर रही है बुलवर्थ अकेडमी में. तो ठीक है, हम जल्दी से इस हॉस्टल के अंदर जाके देख लेते हैं भाई हमारा क्या ही इंतजार कर रहा है अंदर. कोई भिड़ने की कोशिश करेगा तो भाई आप देख ही सकते हो ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, आराम से भाई उसको ये पेल देगा. और मैडम की बात मानते हुए इसके पीछे हम चल देते हैं. थोड़ा सा भाई डरावना मेरे को माहौल लग रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं भाई, कितना भी डरावना हो हम डरते वरते नहीं है. और एंट्री हो चुकी मेरी, ऑल राइट ठीक है. और ये हमारा जिमी भाई कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, एक बार ना मैं कंट्रोल समझ लेता हूँ. अच्छा, राइट साइड में भाई मैप दिया हुआ है, गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस. तो ठीक है, मेरा पहला टास्क है मुझे जाना प्रिंसिपल ऑफिस में. और बीच में ना भाई मेरे को कुछ बदमाश बच्चों ने घेर लिया, लेकिन मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मैं इनसे इग्नोर कर दूं या फिर इनको लड़ लूं. भाई ये गुंडे बन रहे हैं यार, मतलब स्कूल के ये दादा है, तो मेरे को इनसे डरने की जरूरत नहीं भाई. एक बार ना मेरे को देखो ध्यान से, इन सब में सबसे खतरनाक मैं ही लग रहा हूँ. तो एक साइड, ओ तेरी भाई मैंने गलती से इसके मुंह पे मुक्का मार दिया, लेकिन ठीक है अब मेरी दिमाग खराब हो गया तो मैं फाइट ले लेता हूँ. और ओ भाई, रुक जा साले तेरी, ओ भाई पंच दे दिया इसने, लेकिन ठीक है ओ भाई 1-3 हो गया, रॉयल रंबल मैच शुरू हो चुका है, लेकिन निकल डॉज कर करके भाई मुझे मारना है. ऑल राइट और रुक जा साले तेरी ऐसी की तेजी भाई, लात मार ओ पटकी दे. आप बढ़िया, अरे यार चिट, ओ भाई पड़ गई. एक सेकंड, जब मार, ओ भाई ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है. और ये वाले की ऐसी की तैसी, निकल. और तू आ, तेरे अंदर पटकी देता हूँ, कर रही, आ जा बेटा आ जा, और निकल भाई यहाँ से, दे मुंह पे. ओ भाई ये जिमी तो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है भाई, इसने तो 3 बंदों को कितनी आसानी से धूल चटा दी भाई, मान गए टकलू को. तो ठीक है, यहाँ से मैं फटाफट से निकल लेता हूँ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ. और मुझे ना भाई एक्स मार्क पे जाना, और बीच बीच में ना भाई आपको रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे होंगे, आई थिंक ये ना भाई लड़ाकू बच्चे है. और ये कौन है, अच्छा ये टीचर है भाई, पहले ही दिन टीचर पे हाथ उठा दूं क्या, एक सेकंड मार के भाग जाता हूँ यहाँ से, ये क्या ही कर लेगा मेरा. ओ भाई इसने मुझे देख लिया, अरे भाई मैंने गलती इसको मार दिया, लेकिन ठीक है कोई टेंशन नहीं, टीचर होगा अपने यहाँ पे. ओ भाई मैंने टीचर पे गलत हाथ उठा दिया, मैं फेल कर दिया इसने, तो आई थिंक मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा. तो ठीक है, मैं जल्दी से भाई इनकी पिटाई लगा देता हूँ फिर से, क्योंकि इनको पीटना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है. आजा, तेरी ऐसी की तैसी, निकल साले, मेरे से पंगा लेगा, भग, आजा, तू निकल, भग जा. मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनसे भगने ही वाला हूँ, नहीं यार इनसे मैं भाग तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा मेरे को खतरनाक बंदे लग रहे हैं. और एक सेकंड, आजा, निकल, वो सेव कर रहा है, रुक जा, ओ डैश कर रहा है भाई तो. एक सेकंड, थोड़े सा नए मूव में ट्राई करके देख लेता हूँ एक बार. आजा, ओ भाई इसने मेरे को फिर से पकड़ लिया, ओ मैं छूट सकता हूँ. ऑल राइट, ओ ठीक है, इसको भी पेल देता हूँ, निकल साले, भाई ये थोड़ा ना बड़ा बच्चा है. ऑल राइट, और फिर से फेल हो चुका हूँ भाई मैं, तो इस बार भाई मैं पंगा नहीं लूंगा यार, मतलब फाइट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं भाई इनको इग्नोर करके चला जाता हूँ. पहला दिन है तो भाई क्या ही फाइट लू ज्यादा मैं. अबे भाई ये मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं फाइट लेना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे से पहले से फाइट ले रहे हैं. तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ प्रिंसिपल ऑफिस में निकल लेता हूँ इनको इग्नोर करते हुए. ऑल राइट, गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है. और भाई मैं स्कूल के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है. और ये टीचर है रेड डॉट जिनके ऊपर दिखा रहा है, तो
से मुझे पंगे नहीं लेने, और मुझे भाई सीढ़ियों के रास्ते जाना है ऊपर। ठीक है मैं ऊपर निकल लेता हूँ। ऑल राइट, और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रिंसिपल, तो ठीक है मुझे इसके अंदर ही जाना है। प्रिंसिपल भी भाई मुझे ना खड़ूस लग रहा है, और एक बार ना मैं इससे बात करके देख ही लेता हूँ ये मुझे अपने हॉस्टल से निकालेगा या फिर रखेगा। तो लेट गाइस, मेरी ना प्रिंसिपल से बात हो चुकी है, और प्रिंसिपल ने बोला कि भाई तुम जैसा शरारती बच्चा मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा, तो तुमको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी एज में मैं भी ऐसा ही था। तो ठीक है, प्रिंसिपल ने तो हमें डाटा वाटा नहीं है, हम प्रिंसिपल के दोस्त बन जाएंगे आगे चल के। और इस स्कूल के बारे में ना भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है। यहाँ पे भाई जो भी क्रिमिनल बच्चे होते ना, जो चोर उचक्के क्रिमिनल लुटेरे छोटे मोटे, वो भाई इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो ठीक है, मुझे भाई थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन भाई सही बताऊँ ना, हम जैसे इंसान है, हम किसी दबके तो नहीं रहने वाले, हम सभी को पेलते हुए चलेंगे। और ये देखो भाई, दो बंदे कितने ज्यादा अकड़ने लग रहे हैं, लेकिन यार मेरे को इनसे नहीं लड़ना, मैं भाई बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि पहले ही दिन भाई मैं स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहता। और मेरा अगला टास्क है भाई, मुझे ना अपने लिए नए फ्रेंड्स बनाने हैं। तो ठीक है, मुझे भाई उस येलो वाले मार्क पे जाना है, वहां पे शायद मुझे नए दोस्त मिल जाएंगे। मुझे जाना है यहाँ से राइट में जाना है, ठीक है, और वहां से भाई छोटा सा रास्ता लेके मुझे जाना है एक्स मार्क पे, और एक आध बच्चे में मैं घुसन लगा दूंगा। भाई मेरा मन कर रहा है किसी को पीटने का, लेकिन छोड़ो भाई, कोई पहले से पंगा लेगा ना। ओ भाई ये मार रहा है इस वाले बच्चे को, तो ठीक है मैं इसको बचा लेता हूँ। ऑल राइट, और निकल। ओ भाई, ओ तेरी, ये वाला तो थोड़ा पावरफुल सा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर मैं पटकी देता हूँ। ठीक है, निकल साले, निकल। ओ तेरी, ओ तेरी, समझ चुका है। आजा, डैश कर, मार, निकल। भाई इसकी तो मैंने ऐसी की तैसी कर दी। ये देखो, इसको बुरी तरह से मैंने पेल दिया, लेकिन ठीक है, इसके गैंग के मेंबर मुझे देखो, उससे पहले मैं भाग लेता हूँ यहाँ से। ऑल राइट, और ये देखो भाई, टीचर यहाँ पे घूमने लग रहा है। मुझे ना भाई इनसे छुप छुप के फाइट लेनी पड़ेगी, अब मैं समझ चुका हूँ। अगर मैं इनसे छुप के फाइट लूंगा तो मेरा टीचर कुछ नहीं करने वाले, और वैसे भाई मेरा मन करेगा मैं उसको पीट सकता हूँ। ऑल राइट, तो भाई मैं अपनी लोकेशन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे ना भाई तीन बंदे मेरे को फाइट के लिए बुला रहे हैं। तीन नहीं भाई, ज्यादा पांच बंदे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। भाई जा, ब्लॉक। ओ मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं था पहले। अच्छा ठीक है, आ जा बेटा, आ जा, ब्लॉक कर, आ जा। और तेरी, अच्छा, अटैक, निकल, अटैक, ये ले, निकल साले, इसको पकड़ के पंच देना है मुझे। ठीक है, थ्रो। ऑल राइट, ये ना भाई हार मारने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरे पास अभी भी एक दो मूव बाकी है, इसका मत्था मैं पकड़ लेता हूँ। एक बार आ जा बेटा, ले, मुंह पे ले, घुटना ले, और इसको एक बार मैं फेंक देता हूँ। ठीक है, और आ जा, तो पकड़, दे मुंह पे, और आई थिंक वो भाई मरा नहीं है यार, अभी भी ये जा नहीं रहा। ठीक है, और इसको मैं फाइनल मूव दे देता हूँ, इसका हाथ में तोड़ के। ठीक है, ये भाग चुका भाई डर की वजह से। मतलब भाई हमारा जो जिमी कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, किसी को भी पीट देता है बड़ी आसानी से। तो ठीक है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन ये देखो भाई कितना बड़ा बच्चा आ चुका है, लेकिन इसके सामने तो भाई मेरे कुछ भी नहीं चलने वाली। और टीचर आ चुका, ठीक है मुझे बचाने के लिए, भाई सही टाइम पे टीचर आ गया, वरना ये तो मेरी ऐसी की तैसी करके पटक देता। टीचर भी काफी ज्यादा धांसूसा लग रहा है, मतलब इससे तो मुझे फाइट नहीं लेनी कभी भी, वरना भाई ये मेरे को पेल देगा। और मैं आ चुका हूँ भाई लोकेशन पे अंदर, आई थिंक भाई यही मेरा दोस्त बनने वाला है इस हॉस्टल के अंदर। तो ठीक है भाई, मेरी ना से छोटी मोटी बातचीत हो चुकी है, और ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें ना एक बार हॉस्टल पूरा दिखा देता हूँ कि ये भाई हमारा हॉस्टल आखिर है कैसा। मुझे भाई सोडा मशीन से सोडा निकालना था यार, भाई मैं गलती फाइट ले रहा हूँ उससे। ठीक है, मेरी एनर्जी फुल हो जाती है सोडा पीने से। ऑल राइट, मैं एक सोडा और पी लेता हूँ। ठीक है, उससे मेरी शायद एनर्जी फुल हो जानी चाहिए। अब मैं उसके पीछे निकल लेता हूँ, मुझे जाना है इस वाले रूम के अंदर। और इस वाले रूम के अंदर भाई आखिर क्या है, इसके अंदर बेड है? ओ बेड नहीं भाई, इसके अंदर अच्छा मैं कपड़े चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये ना भाई थोड़ा सीधा साधा सा लड़का आ चुका है इसके रूम में, आई थिंक भाई यही इसका शायद दोस्त बनने वाला है इस हॉस्टल के अंदर। तो ठीक है भाई, कोई सीधा लड़का दोस्त बनेगा तो बढ़िया बात है। तो लड़के, मुझे ऐसा लगता है इस हॉस्टल में भाई मुझे दो दोस्त मिल चुके हैं, लेकिन भाई दोनों के दोनों थोड़े अलग हैं, एक थोड़ा गुस्से वाला है और एक थोड़ा ज्यादा ही सीधा है। लेकिन ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ, और बाहर का माहौल भी जाके देख लेता हूँ भाई कैसा हो रखा है। मेरे को जाना है उस स्टार वाली लोकेशन पे, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ बिना किसी से फाइट लिए। वैसे मेरा मन तो कर रहा है किसी का मुंह तोड़ दूं, लेकिन छोड़ो भाई, अभी ज्यादा फाइट वगैरह लेंगे तो प्रिंसिपल के पास शिकायत हमारी जा सकती है। तो पहले तो भाई पूरा का पूरा हम हॉस्टल घूम लेते हैं, उसके बाद ही हम फाइट वगैरह लेने वाले हैं। और अब मैं चल लेता हूँ फिर से अपने स्कूल के अंदर। और ये तो भाई वही बंदा है चिंपांजी जैसा, जिसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, लेकिन यार ये मेरे को पीटने ना लग जाए। उत्तरी। तो लेट गाइस, मैं एक चीज समझ चुका हूँ भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो थोड़े से मैंने ना इसको पैसे दे दिए, जिससे भाई ये मेरे को जाने दे, क्योंकि अगर मैंने इससे फाइट ली ना तो भाई ये मेरी बुरी हालत कर देगा पीट पीट के। और एक या दो डॉलर लेके भाई यहाँ से जा चुका है। अब भाई वो जा चुका है यहाँ से, तो मुझे शायद लॉकर में से चोरी करनी है, तो मैं इस वाले लॉकर को चूज कर लेता हूँ। ऑल राइट, और देख लेता भाई इसके अंदर से मेरे को क्या मिलने वाला है। और फाइनली भाई मैंने लॉकर खोल दिया है, और इसके अंदर से मुझे क्या मिला भाई, मेरे को एक पता नहीं भाई क्या मिला है। और आई थिंक भाई मैंने अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। और भाई यहाँ पे एक टीचर आ चुका है, लेकिन मैं पकड़ा जा चुका हूँ शायद। नहीं भाई, मैंने नहीं पकड़ा गया, मैं भाग चुका हूँ यहाँ से। ऑल राइट, और अब मुझे भाई इस वाले ट्रैश कैन के अंदर देखना है क्या मिलने वाला है, और मैं इसके अंदर अच्छा छुप सकता हूँ। ऑल राइट भाई, ये तो काफी ज्यादा सही चीज है। और यहाँ पे भाई फाइट हो चुकी है कैंपस के अंदर,
और यहाँ पे फाइट हो रही है ना भाई, तो मैं ऐसा करता हूँ चुपचाप यहाँ से खिसक लेता हूँ, वरना दिक्कत हो सकती है। अबे भाई मेरा ये क्यों लड़ रहा है मेरे से, इसके ऊपर एक पंच में दे ही देता हूँ। आजा 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 बेटा आजा, तूने अपनी मौत से पंगा लिया है और मेरे से तू फाइट नहीं लेना चाहेगा, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है। इसको काफी ज्यादा मैंने धो डाला है और इससे मेरे को एक बीन कोला मिल चुका है, ठीक है बाद में मैं इसको पी लूंगा। फिलहाल तो भाई मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना टीचर घूमने लग रही है आसपास और मुझे जाना है, आई थिंक ऊपर जाना है मुझे। ठीक है मैं यहाँ से ले लेता हूँ सीढ़ियों को। तो भाई सामने ने एक लड़की रोने लग रही, तो मुझे शायद उससे बात करनी जिससे उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन ठीक है भाई, इसने मेरे को बोला है कि तू मेरे लिए चॉकलेट ले आ, मैं अपना मूड ठीक कर लूंगी। तो भाई मुझे ना अब इसके लिए चॉकलेट लेके आनी है, तो ठीक है भाई मैं जल्दी से देख लेता हूँ मुझे चॉकलेट कहाँ मिलने वाली है। और इस हॉस्टल के अंदर भाई आके मुझे पता नहीं कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन भाई ठीक है मुझे अगर इस जगह से निकलना है तो छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। बाकी सामने ना एक बंदा चॉकलेट खाने लग रहा है, पीठ कैसे चॉकलेट ले लेता हूँ, निकल साले मेरे को अपनी चॉकलेट दे दे और तू क्या ही लड़ेगा मेरे से एक। अबे भाई ये तो एक दो पंच में बेहोश हो गया और इससे भाई मुझे काफी ज्यादा चॉकलेट मिल चुकी है। वैसे भाई ये सीधा सा बच्चा था, अगर मैं इससे मांगता ना ये दे देता, लेकिन मेरा थोड़ा बदमाशी करने वाला मूड था तो भाई मैंने उसको पीट दिया है। अब भाई ऐसा करता हूँ मैं निकल लेता हूँ उस लड़की के पास उसकी चॉकलेट देने के लिए, और ये ले भाई चॉकलेट अपनी मूड ठीक कर ले अपना। और इसी के साथ भाई इस लड़की से मेरी दोस्ती हो चुकी है। अब भाई मुझे जाना है कैफेटेरिया में, मतलब कैफे में जाके भाई मुझे क्या ढूंढना वहां से। तो ठीक है भाई मैं अपने गैरी दोस्त का पीछा कर लेता हूँ और भाई इस गैरी की बात मुझे माननी पड़ रही है और थोड़ी बहुत ना भाई मेरे साथ अजीब हरकतें भी हो रही है। और कैफेटेरिया में भाई यहाँ पे ये देखो थोड़े जीनियस बच्चे हैं, मतलब पढ़ाकू टाइप के, और ये इस स्कूल के शायद भाई बदमाश बच्चे हैं जिनसे मुझे दूर रहना चाहिए फिलहाल। और ये भाई बाइकर गैंग क्यों लग रही है, मतलब सबने भाई बाइकर वाली जैकेट पहनी हुई है और थोड़े ज्यादा ये कूल लग रहे हैं मुझे। और ये भाई सबसे ज्यादा ताकतवर बंदे स्कूल के, मतलब भाई इनकी पावर देखो आप, पंजे वगैरह लड़ाने लग रहे हैं ये और बहुत ही ज्यादा तगड़े भी लग रहे हैं देखने में। तो ठीक है भाई इनसे मुझे पंगा नहीं लेना अभी शुरुआत में, मैं इनको बाद में एक एक करके पीट दूंगा। फिलहाल तो भाई मुझे प्रिंसिपल के चमचे ने पकड़ लिया था और मुझे यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ ना भाई मेरी क्लास का भी टाइम हो चुका है, तो अब भाई मुझे अपनी क्लास में भी जाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो सकती है। और 9 से 11:30 के बीच में भाई मेरी क्लास होने वाली है और मेरी क्लास आई थी नीचे होगी, तो ठीक है मैं गलती से फिर से ऊपर आ गया। केमिस्ट्री की क्लास है पहली, तो ठीक है भाई टीचर से भी बात करके देख लेते हैं, एक दो केमिकल को इधर उधर करके देख लेते हैं। तो लड़के यहाँ पे भाई मेरी रिएक्शन शुरू होने वाली है, मुझे भाई सिक्वेंस में बटन दबानी है जिससे भाई हमारी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी और जो टीचर है वो भाई खुश हो जाएगा। ऑलराइट तो ये तो भाई काफी ज्यादा मेरे को इजी लग रहा है, तो मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ। और इसी के साथ भाई मेरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और उस क्लास में मैं फेल हो गया, मतलब भाई मैं कुछ भी बटन दबा रहा था, लेकिन ठीक है भाई मैं चाहता था जानबूझ के फेल होना जिससे ये मुझे इस स्कूल से निकाल दें और मैं फिर से भाई अपने घर चला जाऊं। लेकिन ठीक है भाई इस कोशिश में मैं नाकाम हो चुका हूं, मुझे ये यहां से नहीं निकालने वाले। तो ठीक है भाई मैं बाहर आ चुका हूं और अपना स्टार पे जाके देख लेता हूं भाई मुझे कौन सा मिशन मिलने वाला है। और भाई प्रिंसिपल यहां पे आ चुका है, तो ठीक है प्रिंसिपल से थोड़ी बहुत मैं बातचीत करके देख लेता हूं भाई प्रिंसिपल हमसे खुश है या फिर नाराज है। तो लड़के इस प्रिंसिपल से मेरी बात हो चुकी है और भाई ये बंदा पता नहीं कौन है और ये भाई स्लिंगशॉट लेके आ चुका है और इसने मेरे मत्थे पे बजा दिए, तो ठीक है मुझे अब इसका पीछा करना है। और भाई ये मेरे से भागना नहीं चाहिए, मैं इसकी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ आज। इसकी भाई हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की, और इसका स्लिंगशॉट भाई मैं उठा के इसकी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। और भाई डेविस तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मतलब इसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भाई, इतना तेज कैसे भाग सकता है। और भाई मैं तो बहुत ज्यादा पीछे रह गया इससे, लेकिन ठीक है भाई मैं हार नहीं मानने वाला और ये थक जाता बहुत जल्दी, तो ठीक है इस चीज का मुझे फायदा उठाना चाहिए। और मैं गेट ओपन कर लेता हूँ और भाई डेविस देखो कितना ज्यादा तेज है और मेरे पीछे ऑलरेडी एक बंदा लग चुका है, लेकिन ठीक है भाई मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे उसी को पकड़ के अपना बदला लेना है। और ये वाली शटर में उठा देता हूँ और निकल यहाँ से। और भाई कितने ज्यादा उसने बंदे मेरे पीछे लगा दिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं भाई, मैं सारे के सारे को डॉज करके जाने वाला हूँ। और भाई यहाँ से, अरे यार मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, एक सेकंड भाई मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, शिट। अब आई थिंक भाई मुझे उसको पकड़ने से पहले ना मैं इनको धूल चटा देता हूँ ऑलराइट, और ऐसी की तैसी तेरी साले, निकल भाई इतने ज्यादा है कहीं मेरे को पेड़ के ना पटक दें, लेकिन ठीक है मैं किसी से भी हार नहीं मानने वाला। और निकल साले मेरे से पंगा लेगा आजा पटकी देता हूँ तेरे अंदर, निकल तू ज्यादा चौड़ा हो रहा है तू, भाई पड़गी इस बार तो पड़गी मेरे अंदर, लेकिन ठीक है आजा फेंक देता हूँ इसको ऑलराइट, और पकड़ के तेरी तू आएगा, तू बदमाशी करेगा निकल भाई। थोड़ी फ्लैंक किक नहीं दे सकता क्या इसके अंदर, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। नहीं यार फ्लैंक किक नहीं दे सकता, लेकिन मुंह पे पंच दे सकता हूँ, और एक बार ना मैं इसको डैश करके देखता हूँ। निकल साले आजा डैश कर। अबे यार हर बार डॉज कर जाता है सामने वाला बंदा, लेकिन ठीक है इन सबको भाई मैंने मार दिया। और यहाँ से मैं वेपन उठा लेता हूँ, ठीक है ये ईट है, ईट मारनी इसके ऊपर, रुक जा अब गया ये, और इसकी ऐसी की तैसी साले, निकल भाई इसके खोपड़ी पे मैं बजा रहा हूँ, लेकिन एक दो से तो भाई इसका काम नहीं चल रहा, तो मुझे और भी ज्यादा इसके ऊपर मार रही है भाई ये ढक्कन से, तो ये पक्का बेहोश हो जाएगा। तो इस बार तेरी, रुक जा साले, निकल वे बच्चे डेविस के। और भाई ये गिर चुका है ऊपर से ही, तो अब भाई मुझे ना इसका स्लिंगशॉट ले लेना चाहिए। अब भाई मेरे पास एक वेपन भी मिल चुका है, तो अब मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब भाई सारे के सारे बुलीज की मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, बुरी हालत करने वाला हूँ सबकी।
और इस स्कूल के सबसे नंबर वन बुली भाई हम ही बनने वाले हैं बहुत जल्दी। और एक बार ना भाई मैं यूज करके देख लेता हूँ स्लिंग शॉट को, मुझे यूज कैसे करना है। तो भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ ओ एक सेकंड निकल बे साले। ओ भाई स्लिंग शॉट तो काफी ज्यादा पावरफुल है, एक ही में बंदा ढेर हो जाता है। लेकिन अरे यार मुझे थोड़ा दूर जाना चाहिए, लेकिन अबे यार लेकिन ठीक है पहले तो पंच मार देता हूँ और एक स्लिंग शॉट इसके ऊपर मैं मार सकता हूँ क्या भाई? ये पहले से ही बहुत ज्यादा निकल साले भाई, खत्म ही हो जाएगा बंदा ऐसे तो। काफी ज्यादा पावरफुल स्लिंग शॉट है ये तो। ठीक है पहले तो मैं इसको अपनी जेब में रख देता हूँ, मैं इसको बाद में यूज करने वाला हूँ बंदों को पीटने के लिए। फिलहाल तो भाई मेरी क्लास का टाइम हो चुका और मैं रास्ता भूल चुका हूँ भाई, मुझे कहाँ से जाना है? ये स्कूल है या फिर भूल भुलैया, मतलब कितना ज्यादा बड़ा ये स्कूल है और घंटी भी आ चुकी है भाई, मतलब मुझे टाइम पे पहुंचना पड़ेगा वरना भाई मैं अपनी क्लास में फेल हो जाऊंगा और शायद मुझे फिर इस स्कूल से निकाल देंगे। और मेरे पीछे भाई कौन लग चुका है? मेरे पीछे से टीचर लग चुकी है क्योंकि क्लास के टाइम पे मैं बाहर घूमने लग रहा हूँ। और पहले मैं स्टार पे जाऊँ या फिर क्लास पे जाऊँ भाई मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, लेकिन ठीक है जो चीज मुझे पहले दिख जाएगी मैं वहां जाने वाला हूँ। पहले से करता हूँ भाई मैं क्लास में चला जाता हूँ, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ स्टार पे। तो ठीक है मेरे पीछे फिर से एक और टीचर लग चुका है, लेकिन पहले भाई इसके अंदर घुस जाओ। ऑलराइट। और भाई मेरा क्लास रूम किधर है? मेरा क्लास रूम है इधर। ठीक है और मुझे भाई छुप छुपा के बच बचा के निकलना है। और ये रहा भाई मेरा क्लास रूम, मैं टाइम रहते हुए आ चुका हूँ भाई अपने क्लास रूम में। फिलहाल मैं बच चुका हूँ और इस बार क्लास है भाई इंग्लिश की। तो ठीक है भाई इंग्लिश की क्लास में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो भाई मुझे ना इन अल्फाबेट में से जोड़ तोड़ के कोई एक वर्ड बनाना है, तो भाई ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, लेकिन ठीक है मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। तो आई थिंक भाई मेलो शब्द इनसे बन सकता है, तो एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। एम ई डबल एल ओ और डब्लू, और एक बार ना मैं इंटर करके देख लेता हूँ। नहीं यार ये गलत है। नहीं भाई एक शब्द बन चुका है तो मुझे काफी ज्यादा बनाने हैं, तो मैं और बनाकर देख लेता हूँ। एल ओ डब्लू डब्लू एल, भाई मेरे से नहीं बन पा रहा, मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन भाई कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? एक बार मैं ट्राई करके फिर से देख लेता हूँ, लेकिन गड़बड़ वाला सीन है। तो भाई मेरे से ना एक ही शब्द बन पाया मेलो, उससे ज्यादा मैं नहीं बना पाया हूँ भाई, मेरी मेमोरी थोड़ी खराब हो चुकी है। और आई थिंक मैं इंग्लिश क्लास में भी फेल हो चुका हूँ भाई, मतलब यार इस स्कूल से भाई मेरा निकलना तय है। लेकिन ठीक है भाई यही तो हम चाहते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। केमिस्ट्री और इंग्लिश क्लास में हम एक एक बार फेल हो चुके हैं, अब देख लेते भाई मुझे अगला मिशन क्या करना है। अब भाई मेरे पास स्लिंग शॉट भी है ना, तो एक बार मैं अपनी स्लिंग शॉट निकाल लेता हूँ। ठीक है और मेरा मन कर रहा है किसी पे ट्राई करके देख लूँ, मैं किस पे मारूं भाई? इस पे मार के देख लेता हूँ भोंदू से बच्चे पे, और एक ही बार में भाई ये तो चित हो गया। और इसके पास से मेरे को बुक मिल चुकी है। ओ भाई मेरे ऊपर पिटाई लग चुकी है, लेकिन ठीक है मैं बाहर जाके इनसे फाइट लूंगा। एक सेकंड यार, लेकिन बाहर तो टीचर घूमने लग रहे हैं, लेकिन ठीक है मैं अपने स्लिंग शॉट को ना छुपा लेता हूँ। ऑलराइट और टीचर की निगरानी से बच बचा के मैं निकल लेता हूँ स्टार वाले मिशन पे। और भाई पता नहीं मुझे कौन सा वाला इस बार मिशन मिलेगा। और पीछे ना भाई मेरे बंदा पड़ चुका है, लेकिन आजा बेटा आजा, पढ़ाकू टाइप का बच्चा है लेकिन इसको तो मैं आराम से पीट दूंगा। आजा बेटा आजा और आजा कहाँ है आजा निकल। अबे यार डैश मारने में मैं कभी भी सही नहीं रहता। और मेरा स्लिंग शॉट कहाँ? ये रहा स्लिंग शॉट। और निकल एक सेकंड ओ भाई एक ही बार में चित हो गए। तो टीचर आ गया भाई, मेरे को यहाँ से निकलना होगा। एक सेकंड यहाँ से जल्दी मैं यहाँ से भग लेता हूँ। टीचर भाई मेरे को पकड़ ना ले। शीट यहाँ से गोल चक्कर लगा लेता हूँ। ठीक है आजा। और स्टार वाला मिशन मुझे उसके अंदर मिलने वाला है, तो मैं यहाँ से इसके अंदर घुसने वाला हूँ। ऑलराइट बच चुका हूँ भाई, फाइनली मैं टीचर से बच चुका हूँ। ठीक है और अगला मिशन का नाम है स्लिंग शॉट। तो ठीक है भाई मुझे अपने स्लिंग शॉट का शायद यूज करना सीखना है अब प्रॉपर तरीके से। तो लेट गाइस गैरी ने बोला है कि भाई तू ना मेरा पीछा कर, मैं तुझको स्लिंग शॉट को यूज करना सिखा दूंगा कि इसको भाई प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो ठीक है मैं इसका पीछा कर लेता हूँ और मुझे भाई जाना है एक्स वाली जगह पे। तो मैं क्यों पीछा करूं भाई, मैं इससे पहले क्यों ना पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे भागने की स्पीड ना भाई गैरी से काफी ज्यादा तेज है। और आई थिंक मुझे भाई इस बस के कांच तोड़ने पड़ेंगे। तो ठीक है पहले मैं इसके अंदर चला जाता हूं। और मुझे क्या करना भाई इसके अंदर जाके? अच्छा यहाँ पे मुझे रबड़ बैंड मिल चुका है। ठीक है भाई बढ़िया वाला रबड़ बैंड मुझे मिल चुका है, जिसकी मदद से शायद मैं और भी ज्यादा अच्छी तरीके से स्लिंग शॉट यूज करने वाला हूँ। और सामने भी क्या पड़ा हुआ है भाई? ये मेरे को बैग ऑफ मार्बल्स मिल चुका है, मतलब ठीक है मुझे कंचे मिल चुके हैं जिनको मैं स्लिंग शॉट के अंदर चलाने वाला हूँ। और एक बार ना भाई मैं अपनी स्लिंग शॉट को प्रॉपर तरीके से देख लेता हूँ कैसे यूज करना है। नहीं यार मैं इसको नहीं चला पा रहा प्रॉपर तरीके से। एक सेकंड भाई मुझे शायद कंचों का यूज करना है, तो मैं कंचों से भाई ये वाली जगह तोड़ सकता हूँ क्या? एक सेकंड और ओ नहीं यार भाई पता नहीं क्या हो रहा है ये, लेकिन ठीक है इस बार मैं पक्का ट्राई करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है भाई मैं समझ चुका हूँ, मुझे ये स्विच करना सिखा रहा है यहाँ से टारगेट्स को। तो ठीक है भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी है, कंचो वगैरह को तो मुझे अभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे सारे के सारे शीशे तोड़ देने चाहिए बस के। और ठीक है भाई मेरा ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो चुका है, और भाई कंचो से फिसल के मैं खुद ही गिर गया। लेकिन ठीक है कंचे मेरे आगे यूज में आ जाएंगे। फिलहाल तो भाई मुझे एक्स वाले मार्क पे फिर से जाना है। तो गैरी कहाँ भाई हमारा? गैरी कहाँ निकल गया? मुझे गैरी का पीछा करना, लेकिन ठीक है शायद एक्स मार्क तो सामने दिखने वाला नहीं, यार ये जगह तो बंद है, तो मुझे पीछे से होकर शायद जाना पड़ेगा। और देखते भाई इस बार मुझे कौन सा वाला मिशन मिलने वाला है। तो भाई मैं आ चुका हूँ फुटबॉल ग्राउंड में, मतलब भाई कितना ज्यादा बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है।
और इसके अंदर भी मुझे क्या बोला इसने, हाइड इन ए ट्री एंड वेट फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। अच्छा तो ठीक है भाई, मुझे पेड़ के अंदर छुपना है, ऑल राइट, और फुटबॉल प्रैक्टिस जैसे होगी भाई मुझे तब निकल के आना है। तो पहले तो अरे यार कौन आ रहा भाई लड़ने के लिए, अरे निकल साले यहाँ से, मुझे भाई अपने काम को करने थे। लेकिन यार मुझे शायद चढ़ने नहीं देगा ये, लेकिन ठीक है मैं चढ़ चुका हूँ, ऑल राइट और मुझे काफी ज्यादा शायद ऊपर जाना है। ठीक है तो इस वाली ब्रांच पे मैं बैठ जाता हूँ, ऑल राइट, और मुझे ना भाई रेड वालों के ऊपर मारना है जिससे भाई मेरी टीम जीत जाए। ठीक है तो मैं अपना निशाना लॉक कर लेता हूँ और एक को तो मैंने टपका दिया। ठीक है अब दूसरे की बारी, दूसरा भी गया निकल साले, दो मैंने टपका दिया। ठीक है तीसरा भाई यहाँ पे नीचे ही है तो इसको भी टपका देता हूँ, ऑल राइट, और चौथा भाई ये रहा तू भी निकल, पांचवा ये रहा तू भी निकल, ऑल राइट। अब कुछ ही बंदे बचे भाई तो मैं इनको, यार ये तो काफी ज्यादा दूर है, इतनी शायद मेरी रेंज नहीं है, लेकिन ठीक है ये पास आने वाला है बहुत जल्दी, और इस बार तो इसका भी काम खत्म, निकल भाई निकल। और आई थिंक मैंने सारे के सारे मार दिए भाई, सारे के सारे मैंने मार दिए और मिशन मेरा पास हो चुका है, और पांच मेरे को रेस्पेक्ट भी मिल चुके हैं, मतलब भाई मेरी टीम जीत चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो या फिर भाई ये कोई टीम वाला मैच था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बुलीस को मजा चखाने का एक तरीका था, जो कि भाई मुझे काफी ज्यादा सही लगा। फिलहाल तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है सोने का टाइम हो चुका है, तो भाई मेरे ना मैप के अंदर सोने वाली जगह की लोकेशन आ चुकी है, तो आई थिंक मुझे ना सो जाना चाहिए, और बच्चे कुछ काम भाई बुलीस को पीटने वाले मुझे अगले दिन करने चाहिए। तो ठीक है पहले तो भाई मैं अपने रूम में चला जाता हूँ और वहां जाके भाई एक बढ़िया सी नींद ले लेता हूँ, क्योंकि भाई अगले दिन ना मुझे बहुत ज्यादा पुलिस को पीटना है अगर मुझे इस हॉस्टल का दादा बनना है तो। और रात के टाइम भी भाई काफी ज्यादा स्टूडेंट बाहर घूमने लग रहे हैं, तो ठीक है मुझे इनकी ज्यादा परवाह नहीं है। फिलहाल तो भाई मैं अपने हॉस्टल के प्यारे से रूम में निकल लेता हूँ सोने के लिए, और सोने के लिए भाई मुझे जाना है अपने बेडरूम में, और मेरा बेड ये रहा, आई थिंक मैं इसके ऊपर सो सकता हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। बाकी काम भाई मैं अगले दिन करने वाला हूँ, रात के टाइम में कोई भी काम नहीं करूंगा। तो ऑलरेडी गाइस अगला दिन हो चुका है, और भाई मुझे ऐसा लगता है इस बुली के एपिसोड में इतना ही काफी है, इससे आगे भाई हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं इस वीडियो में कैसा रेस्पॉन्स आने वाला है, आप सभी को ये पसंद आएगी भी या फिर नहीं। अगर भाई रेस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी भाई मुझे तो इसको खेलने में काफी ज्यादा मजा आया, और अगर आपको भी आया तो भाई इस वीडियो को आप लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।